के हमारी कॉन्वर्जेशन के बाद आज मुझे लगता था कि इमरान से कॉन्वर्जेशन तो बनती ही है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान राना, सीनियर डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस विद के इलेक्ट्रिक। और कल का जो इमरान हमारा 10 से 11 का सेगमेंट था ना, उसमें हम सैलरी क्लास लोगों के जो मसाइल थे उसकी बात कर रहे थे, और उसमें आई नो के ये तो आप रोज़ाना ही फेस करते हैं, उसमें जो सरे फहरिस्त सबसे बड़ा एक्सपेंस है, लोगों ने कहा जी इस दफ़ा बिजली के बिल ने तो होश उड़ा दी है। कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट चेंज्ड? एंड आई नो के इलेक्ट्रिक कई दफ़ा ये बात कहती रही है, और हम भी अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि प्राइसिंग में एंड सेटिंग द प्राइस में आपका अमल दखल बहुत कम है, लेकिन जो इतना ये हाइक आई है एकदम से, इसकी क्या वजह है? एक तो ऑफकोर्स हमने समर्स में बिजली हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एसीज़ चल रहे होंगे, लोगों को पंखों की भी ज़रूरत है, लाइट की भी ज़रूरत है, बट वाई द जंप? थैंक यू वेरी मच सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको सबसे पहले हज की बहुत बहुत मुबारक, और दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको इस सफ़र की सआदत नसीब फरमाए। इट वॉज़ अ ग्रेट न्यूज़। जहाँ तक बिजली की जो टैरिफ में हाइक है, बेसिकली एक तो आपने बिल्कुल राइटली कहा कि समर के मंथ्स हैं और मौसम गर्मा में होता यह है कि हमारी ला मोहल्ला कंजम्पशन बहुत ऊपर चली जाती है, तो हमारा अपना बिजली का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो बिजली के टैरिफ है उसमें भी इंक्रीज़ जो है बतदरीज किया गया है, और उसकी वजह से भी आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा कि टैरिफ के अंदर एक जो बिजली की कीमत है उसमें तकरीबन 5 रुपये 70 पैसे तक जो बेस टैरिफ में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में उसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट है, लेकिन वो हमें इम्पैक्ट नज़र आएगा। और आपने अभी बात जो की है कि इसमें जो गुजारिश ये होती है कि जो बिजली के टैरिफ है और जो रेट्स हैं इसको हुकूमत पाकिस्तान डिटरमिन करता है, कि इलेक्ट्रिक या हमारी तरह जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अक्रॉस द कंट्री काम कर रही हैं उनका बेस टैरिफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, उनकी सेटिंग ये उनके दायरे इख्तियार से बाहर होता है। हमारा काम ये होता है कि जो बेसिकली आप यूनिट कंज्यूम करते हैं वो मीटर पे आते हैं, और हुकूमत ने आपके स्लैब के हवाले से जो रेट रखा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बिल बनाते हैं और वो सर्व कर देते हैं, और उसकी कलेक्शन के बाद हमें आगे जो फ्यूल के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो बाकी मुख्तलिफ एक्सपेंसेस बिजली के प्रोडक्शन के हवाले से होते हैं, वो हमने उनको ज़ाहिर है पे ऑफ करना होता है। इमरान, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये बताएं कि ये एंड स्पेशली बिकॉज यू आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी टू अस, मुझे ये बताएं कि सोलर जब ज़ेरे बहस आता है तो आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या राय है, क्या पाकिस्तान में जो सार्फीन है, बिकॉज देखें हम आप भी सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन यू नो एनर्जी की बात करते हैं, शुड पीपल रियली इन्वेस्ट इन इट और नॉट? और क्या यानी एक तो उसका फिस्कल लोग फ़ायदा देखने की कोशिश करते हैं ना कि जी आज इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इससे हमारे बिल कम आएंगे, वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट एंड व्हाट डज के इलेक्ट्रिक थिंक अबाउट इट? देखिए अगर ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा जाए तो सोलर और जितने भी रीन्यूएबल ज़राए से जो तवानाई का हम बनाते हैं, जितनी बिजली वगैरह बनाते हैं उसको इनक्रेज किया जाता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि ग्रिड लेवल पे आप वो बनाएं, यानी आप मैस मंसूबे बनाएं जिससे ओवरऑल आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सब लोगों के लिए वो कम हो, और उसको सेंट्रली ग्रिड के ज़रिए आप उसको सबको जो है वो सप्लाई कीजिए। जो घरों के अंदर सोलर लगता है उसे अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि एक नई टर्म दुनिया में वजूद में आ रही है कि जिनको कहते हैं प्रोज्यूमर्स। एक होते हैं कंज्यूमर्स जो कि आप बिजली प्रोवाइड करते हैं और वो कंज्यूम करते हैं, और एक तरफ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो बिजली बना रहे होते हैं। तो ये नई एक किस्म है जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया में बहस चल रही है, जिनको प्रोज्यूमर्स कहते हैं, कि ये ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करते हैं बल्कि ये बिजली कंज्यूम भी करते हैं। तो होता यह है कि इनकी वजह से ग्रिड के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, और टेक्निकली ग्रिड की सस्टेनेबिलिटी पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि उससे ये जो जब लोग बाहर जाते हैं अपने ओवरऑल बिजली की कंजप्शन के हवाले से, तो जितना उसका बोझ है जो वो आम सार्फीन पे बाकी जो सार्फीन है उन पर मुंतकिल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम दोनों में से मैंने ग्रिड लगा दी और आप ग्रिड में मौजूद हैं, तो ग्रिड को जो चलाने की कॉस्ट है अब वो जो बाकी सारे रह जाएंगे उनको उनके ऊपर उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि बेसिकली जो सेंट्रली अगर आप बड़े मंसूबे लगाएं, कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड भी नहीं हो रहे यहाँ पे, ये बात भी मद्देनजर रखने वाली है कि एक तो ना कि जी मैं 100% अपनी रिलायंस सोलर पर मूव कर रही हूँ, अब मेरा के इलेक्ट्रिक या इस तरह की किसी कंपनी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रिड पर भी मौजूद हैं और अपनी बिजली भी आप खुद बना रहे हैं, तो जैसे कि इमरान ने कहा कि फिर आप एक अनफेयर
बोझ बाकी सारफीन पे डाल रहे हैं. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई कहा ये जाता है कि आप जो सेंट्रलाइज जो बड़े जो पैमाने पे जो ग्रिड्स हैं, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन जो है उसको आप इनक्रेज करें. जैसे कि इलेक्ट्रिक के मामले में अगर बात करें तो हमने तकरीबन 640 मेगावाट के मुख्तलिफ जो रीन्यूबल एनर्जी के मनसूबे हैं उनको ऑलरेडी फ्लोट किया है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ और हमारी अपनी IPPs के साथ कुछ हम माहिदों पर काम कर रहे हैं. और इससे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ग्रिड की जो कॉस्ट है एक लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में आपको वो नीचे जाती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह. बिल्कुल सही. अच्छा जी, सर्कुलर डेट और आउटस्टैंडिंग बिल्स की बात कर लेते हैं. इमरान, पिछले दिनों आपकी एक स्टेटमेंट चल रही थी, कुछ हुकूमती बिल्स हैं जो इस वक्त आउटस्टैंडिंग हैं एंड दैट्स अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, कुछ उसमें पेशरफ्त हुई है और इससे आपकी बैलेंस शीट पर और बाकी सार्फिन पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, हुकूमत सिंध के साथ हमारे तकरीबन 10.5 अरब रुपए के रिकनसाइल्ड वाजबात थे जो कि काबिले वसूल हैं. अनफॉर्चुनेटली जब ये पेमेंट्स हमें टाइम से नहीं होती, हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको हमें पेमेंट्स टाइम से करनी होती है बिकॉज उनकी आगे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की जो फ्यूल प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ हैं, PSO शामिल है उसमें, SSDC शामिल है, इसके अलावा PLL शामिल है, हमने इनको टाइम पर पेमेंट करनी होती है. तो जब आगे से हमें जो कंज्यूमर्स की साइड से पेमेंट्स में, चाहे वो हुकूमती इदारे हों या आम सार्फिन, जब उनकी तरफ से मेरी कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो आगे लामोहला हमारा जो एक फाइनेंशियल उसका एक इम्पैक्ट आता है, और हमारी जो बिजली प्रोवाइड करने की जो सलाहियत है उस पर उसका एक मनफी असर पड़ता है. हमने हुकूमत सिंध से इस बारे में रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की है, और उस पर काफ़ी काम हुआ है. सैयद नासिर हुसैन शाह जो वज़ीर तवानाई हुकूमत सिंध हैं, उन्होंने इस पर मुकम्मल तआवुन का यकीन भी दिलाया है, और उन्होंने ख़ुद भी पिछले दिनों नोट किया था कि इस तआवुन के बदले में कराची में ओवरऑल बिजली की सप्लाई में काफ़ी बेहतरी अब आना शुरू हो गई है. मुझे ये बताएं इमरान, ये वाजिबात यानी इतना बड़ा अमाउंट ये आउटस्टैंडिंग हुआ कैसे? क्या ये कोई ख़ास टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं? इज दिस सर्कुलर डेट, इज दिस एडजस्टमेंट, इसको थोड़ा हमें समझने में मदद. ये तकरीबन देखें ये मार्च से ऑनवर्ड्स के जो बिल हैं जो हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ इदारों ने बिजली कंज्यूम की है उनके वाजबात हैं बेसिकली. जो कुछ अरसे से आम तौर पर तो बिल्कुल ये टाइम से पे हो जाते हैं. एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस है जो दोनों साइड्स के इलेक्ट्रिक और हुकूमत सिंध के नुमाइंदे बैठ के उसको रिकनसाइल करते हैं और ये आम हालात में ये पे हो जाते हैं. इस दफ़ा सिर्फ ये आया है कि ये वाले ख़ास तौर पर वाजबात जो हैं उनके ऊपर काफ़ी टाइम लगा है, जिसके बाद हमने हुकूमत सिंध से इस बारे में बात की और उनकी तरफ से अभी तक तो काफ़ी मस्बत जो है हमें तआवुन मिला है, और उम्मीद यही है कि ये वाजबात जल्द अदा हो जाएंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल सही. और इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि फिर आम सारे पूछता है कि भाई हमारे घर का अगर हम बिल ना दें तो आप फ़ौरन आ जाएंगे, आप बिजली काट देंगे. क्या वजह है कि ये वाजबात पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी निगोशिएट कर रहे हैं? बिजली तो फराम फिर भी कर रहे हैं ना. देखिए, जहाँ तक जो डिसकनेक्शन हैं, जहाँ कहीं पे भी इंडिविजुअल प्रेमिसेस के ऊपर नेपरा के कवानीन के मुताबिक डिसकनेक्शन बनता है, हम वो डिसकनेक्शन करते हैं. ताहम जब हुकूमती इदारों की बात आती है उसमें सिर्फ एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो देखना पड़ता है कि इनसे पब्लिक जो है एक उनकी सर्विस साथ अटैच होती है. मिसाल के तौर पर आप अगर KWSB की बात करते हैं तो कराची को पानी फ्राहम करने वाला वाहिद इदारा है. आप इसकी बिजली अगर इसकी मुनकता करते हैं तो उसका एक लामहला आम सार्फीन पे एक डायरेक्ट कराची के जो रेजिडेंट्स पे इम्पैक्ट आता है, तो वो एक जिम्मेदारी भी होती है जिसका एक एहसास होता है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि बेसिकली इनको जितनी जल्दी अदा हो सके ये अमाउंट उतना ज़्यादा बेहतर है. अच्छा जी, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी पिछले सेगमेंट में, क्या हमें फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से, फ्यूल चार्जेस जो भी एडजस्ट किए जा रहे हैं उसकी वजह से बिल में कुछ आपको कमी नज़र आ सकती है जुलाई के महीने में, ये बताया जा रहा है. तो मिसाल के तौर पर अगर आपका बिल 50,000 रुपये आया है और उसमें आपने जितने भी यूनिट्स, अगर आपने 500 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं तो फी यूनिट तकरीबन 1.5 रुपये की एडजस्टमेंट इस वक्त हम देख सकते हैं. तकरीबन 1.67 रुपये की मनफी एडजस्टमेंट है. सबसे पहले तो सदरा इसमें ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट जो है बेसिकली ये हमारे बिल्स के कॉम्पोनेंट है जिनका हर माहाना बुनियादों पर इनका मस्बत या मनफी असर होता है. इनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल जो फ्यूल की प्राइसेस होती हैं उनके साथ ये लिंक्ड होते हैं. अगर इसमें प्राइस कभी बढ़ती है या इसमें कम होती है तो इससे बिजली कंपनी के जो आपको प्रोड्यूस कर रही है उसके मुनाफे पर इसका कोई असर नहीं होता. ये पास थ्रू कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट आती है उसको आपको कस्टमर को पास ऑन करनी थी. अगर इसमें कमी आती है तो सार्फीन के बिलों में डायरेक्टली उसमें कमी आ जाती है, और उसी प्रोपोर्शन से अगर इसमें इजाफा होता है तो हुकूमती कवानी के तहत उस इजाफे को भी पास किया जाता है. और ये माना एडजस्टमेंट थी, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि 1.67 रुपये तकरीबन बनते हैं, 1.67 रुपये की अमाउंट है जो कि इंशाल्लाह अगले जुलाई के बिलों में आपको उसका कुछ
इम्पैक्ट नज़र आएगा मनफी की सूरत. बट दैट टेक्स अस टू द बिगर क्वेश्चन, यानी अगर हम के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन की बात करें, इट्स बिन ओवर अ डेकेड नाउ, और जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने की बात कर रहे थे ताकि हमारी ये फ्यूल के ऊपर या ये जो यानी फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला खर्च होता है जिसके जरिए हम इस वक्त पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, उसमें कुछ रद्दबदल आए, तो स्ट्रेटिजिक लेवल्स पे कुछ पेशरफ्त आप देख रहे हैं अभी मूविंग टूवर्ड्स दैट, एंड हाउ आर यू डूइंग ऑन दोज गोल्स? देखिए, अगर मैं ओवर आर्चिंग अगर पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स के हवाले से बात करूं, तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके साथ ये बात कर सकता हूं कि हमारा एनर्जी मिक्स दुनिया का एक बेहतरीन एनर्जी मिक्स है. इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक्चुअल जो बिजली के बनाने की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर रीजनल कंपेरिजन उसका किया जाए. हमारे पास जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कैपेसिटी पेमेंट्स, बेसिकली कि हमारे पास बिजली की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन जब हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो बिल्स की रिकवरी आती है हमें, उसमें बेशुमार चैलेंजेस हैं. सो फॉर इंस्टेंस अवैस लगारी जो वज़ीर तवानाई हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उनका एक बयान है कि 600 अरब की तकरीबन सालाना चोरी होती है हमारे यहाँ, पूरे पाकिस्तान की अगर बात करते हैं. तो जो चोरी का जो अमल है, जब हम तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से आपको पता है गाय बगाहे इस मामले में हम ना सिर्फ एक्चुअल एक्शन लेते हैं बल्कि इसको डिस्करेज करने के लिए हर सतह पर हम लॉबी करते हैं. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे गुड सेंट आउट करें, यानी हर वो यूनिट जिसको प्रोड्यूस करते हैं और उसको अगर सप्लाई करते हैं उससे रिकवरी हो जाए, हमें उसका बिल हमें वापस मिल जाए. तो अगर हम गुड सेंट आउट को बढ़ाते हैं और कस्टमर जब अपनी ज़िम्मेदारी के साथ उसको पे करें, तो हमें ये लगता है कि जो ओवर आर्चिंग अगर थीम में देखें तो मीडियम टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे बिल्स की जो के अंदर जो कैपेसिटी का कंपोनेंट है वो कम हो जाना चाहिए. कम होना चाहिए. अच्छा, हुकूमती सतह पर और के इलेक्ट्रिक की सतह पर अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारा आगे आने वाले दिनों में के इलेक्ट्रिक के स्पेसिफिकली हमने ऑलमोस्ट 1200 मेगावाट जो है रीन्यूबल एनर्जी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. और इसके अलावा जो दूसरा अहम फोकस है कि जिसमें हमने तकरीबन ओवरऑल हमारा प्लान ये है कि तकरीबन 2200 मेगावाट के करीब करीब एनर्जी को हम ग्रिड में शामिल करें, उसमें ऑलमोस्ट 1200 मेगावाट रीन्यूबल्स ही होगी और बाकी जितनी बिजली है वो हम इंडिजिनियस फ्यूल यानी मुकामी ज़राए जो के जो हमारे ईंधन के ज़राए हैं उनसे वो बिजली पैदा करें, जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगले 7 सालों में आप देखेंगे उसमें कमी होगी. इफेक्टिव कंजम्पशन, कई दफ़ा हम ये बात करते हैं कि घरेलू सार्फिन अभी भी आपका सबसे ज़्यादा बड़ा मेजर चंक है, एंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर फैक्टर्स आपकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, जो मैनुफैक्चरिंग है, वो कम होती चली जा रही है. सो वन ऑल्सो नीड्स टू चेंज दी एंगल विद दैट. लेकिन जो आपने एक पॉइंट रेज किया इमरान, इफ यू कैन जस्ट क्विकली टच अपॉन दैट, बिजली चोरी के हवाले से जैसे आपने एनर्जी मिनिस्टर की वहाँ पे स्टेटमेंट का बताया, क्या पेशरफ की जा रही है, व्हाट आर द न्यू पॉलिसीज बीइंग पुट इन प्लेस ताकि इस नंबर को हम घटा सकें एंड यहाँ से भी रिकवरी पॉसिबल हो सके? देखिए, इस मामले में प्रेशर बहुत है कि अक्रॉस द कंट्री के वो इलाके जहाँ पर बिजली की चोरी होती है वहाँ पर आप इंसानियत की बुनियादों पर ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर वहाँ पर बिजली प्रोवाइड करें. और ताहम अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत ही सीरियस इस बारे में कमिटमेंट है कि इस नंबर को हमने जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके तआवुन के साथ हर सतह पर हर शहर में मुल्क के हर कोने में इसको कंट्रोल करना है हमें. मैं आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ तकरीबन तमाम नाज़रीन से जो मुझे इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं कि अगर आप मदद करें बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को चोरी के हवाले से इसको डिस्करेज करने के लिए, इसकी निशानदेही करें, इसको रिपोर्ट करें और ऐसे लोगों को डिस्करेज करें, तो आप यकीन कीजिए कि उससे हमारी एज ए सोसाइटी हमारे ऊपर जो बोझ है माली बोझ काफ़ी कम होने के चांसेस. इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड इमरान, के कई दफ़ा हमारे यहाँ इस तरह की चोरी करने वालों को हम समझते हैं कि ये तो बड़े स्मार्ट हैं, देखो इन्होंने कितना समझदार तरीका निकाला है, ये वो कर रहे हैं जो बाकी नहीं कर पाए. बट दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपका जो मॉरल कंपस है, जो आपका एक वैल्यू सिस्टम है, वो आपको लीड करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम पॉइंट्स को यहाँ पर आपने रेज़ किया. देखिए जी, बिजली की कीमत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सार्फिन का जो इस्तेमाल है उसको भी हमें ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए. बिजली की कीमत आज बड़ी है या बिल आपका ज़्यादा आया है तो आपको एहसास होने लगा है कि 6 बजे के बाद जो है ना ज़रा बिजली का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं, एक कमरे में एसी चला लेते हैं, फालतू लाइटों को बंद कर देते हैं. ये आपका आम तौर पे भी यही रवैया होना चाहिए.